रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा एक दफ़ा फिर इस्तवा कशिदा। लगता है कि रावलपिंडी रिंग मंसूबा जो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, ये अनाड़ियों के हाथों में दे दिया गया। इसकी वजह से मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रहा है। सबका हुकूमतों में भी इस मंसूबे को इल्तवा का शिकार बनाया जाता रहा, और एक दफ़ा फिर मौजूदा हुकूमत में भी जब ये सुनने में आ रहा था कि इसको जल्द अज जल्द इसका इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान करने वाले हैं, एक दफ़ा फिर इल्तवा का शिकार हो गया और एक मेगा करप्शन की नज़र हो गया है। अब इसमें करप्शन करने वाले कौन से अनासर हैं, इसका फैसला तो वक्त में साथ साथ होता रहेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और सीएम पंजाब इस मसले को, रिंग रोड प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हंगामी बुनियादों के ऊपर एक मीटिंग बुलाएं, तमाम फैसले एक रूम के अंदर हों, एक डेस्क के ऊपर हों, और इस मंसूबे का आगाज़ किया जाए। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे से पाकिस्तान की तरक्की, खित्ते पटवार की तरक्की, पंजाब की तरक्की, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की तरक्की खुशीदा है। इस मंसूबे को इल्तवा का मजीद शिकार ना बनाया जाए और जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। रिंग रोड मंसूबा के हवाले से जो करप्शन की गई है, उसमें जो पी एम साहब का जो इनिशिएटिव है, ये पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हो रहा है, और इस इनिशिएटिव के साथ साथ होना ये चाहिए कि एज ए जर्नलिस्ट मेरे अपने इसमें मशवरा है पीएम साहब को कि वो इस पे इनिशिएटिव के साथ साथ जो इसमें लोग जो मुलव्वस हैं, डीसी पिंडी हैं या जो भी दीगर जो भी लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसा काम करना चाहिए ताकि आइंदा आने के लिए जो ज़िले इंतज़ामिया है या दीगर जो लोग हैं या जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इस तरह के काम ना कर सके, और इन जो मजकूरा जो लोग हैं, इनको काफ़िले किरदार तक पहुँचाना चाहिए।